स्टूडेंट्स वेलकम टू मॉड्यूल वन नाइन सिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इस मॉड्यूल में हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री जो कि डेफिनेटली आई बिलीव दैट कि आज जो जमाना है इसमें हर आलमोस्ट एवरीवन इज़ यूजिंग दिस एंड दिस इज ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इट डिफरेंट वेबसाइट से कुछ ना कुछ आई I मीन mean, आज के ज़माने में हम लोग खरीद चुके हैं और हर बंदे का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इसमें ज़रूर है बट ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है इसके बैक एंड पे क्या सिस्टम होते हैं क्या मैकनिज़म होते हैं किस तरह से ये काम करती है हम थोड़ा सा इसको देखेंगे और फिर इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एज ए डेटा साइंटिस्ट आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं बेसिकली जो ई e कॉमर्स है इसके देयर मल्टीपल वेज हो ये रहा है कि आप फिज़िकली कोई स्टोर कोई फैक्ट्री या कोई यू you नो know, ऑफिस विजिट करने की बजाय आप उस हर एक ने ये किया कि दे है प्रिपेयर्ड देयर ओन डेवलप्ड देयर ओन ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स इसके अंदर डिफरेंट पोर्टल्स हैं वेबसाइट्स हैं दे आर इंटरकोनेक्टेड सो तो वो बेसिकली वो कर ये रहे हैं कि दे आर फेसिलिटेटिंग यू कि आप अपना टाइम बचाएँ आप फिज़िकल स्टोर पर ना जाएँ आप ऑनलाइन जाएँ अपना ऑर्डर दें अपना जो भी कमिट आपकी जो डिलीवरी है उस पर एग्री करें और चीज़ आपको एक दिन दो दिन तीन दिन में यू नो यू कैन हैव इट अब आप देखिए कि हम ये करते हैं नॉर्मली अगर हमने आज कोई चीज़ ऑर्डर की है तो हम वेबसाइट पे जाएंगे अपनी पसंद की चीज़ साइज सेलेक्ट किया कलर सेलेक्ट किया पेमेंट अगर कार्ड से करनी है या ऑन डिलीवरी करनी है देर तो तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट वो सारा कुछ हम एग्री करते हैं एंड वी क्लिक इट और दूसरे तीसरे दिन वो चीज़ आके बेल आपके घर के दरवाजे पे कोई राइडर आता है एंड ही डिलीवर योर स्टफ तो दैट हाउ कन्वीनियंट इट इज़ और इसने हमारी लाइफ तकरीबन आई वुड से कि ऑलमोस्ट इट हैज़ टच्ड एवरी बॉडीज़ लाइफ और बहुत सारों की ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आया है और बल्कि बहुत सारे लोग पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने लग गए हैं कि वो पहले आपको कहीं जाना पड़ता है बंदा दस दफ़ा सोचता कि मैं जाऊँ ना जाऊँ कैसे जाऊँ क्या करूँ लेकिन आपने मोबाइल खोला कोई चीज़ पसंद की क्लिक क्लिक एंड यू हैव यू आर डन और दूसरा इस वक्त ये हो रहा है कि तकरीबन फोर्टी फिफ्टी परसेंट ऑफ रिटेल बिजनेस वर्ल्ड ओवर वो उस पर शिफ्ट हो गया है आपका ऑनलाइन अब वो जो कन्वेंशनल स्टोर्स थे वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन यह कि जो शॉपिंग के अंदर को फिफ्टी फोर्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट इन सम केसेस वो आपकी फिज़िकल सेल्स की बजाय ऑनलाइन उसमें वो जो है ना वो कन्वर्ट हो चुकी है एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ योर ई कॉमर्स अब इसके अंदर तीन चार तरह के डिफरेंट रिलेशनशिप बनते हैं कि अगर फ़र्ज करें इन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी आई एम ए कंज्यूमर मैं जिस चीज़ से जिस कंपनी से चीज़ ख़रीदता हूँ देयर बिजनेस ठीक है तो कंज्यूमर टू बिज़नेस इज़ वन फिर बिजनेस टू बिजनेस है कि जैसे आप होलसेल में काम करते हैं इसी तरह डिफरेंट पोर्टल हैं अली बाबा का आपने नाम सुना होगा ई बे का नाम सुना होगा कुछ और है कि वहाँ पे कंपनीज़ दे आर रजिस्टर्ड देर और वो हर कंपनी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं देर अवेलेबल एंड यू कैन डू योर ऑनलाइन बिजनेस एट बी टू बी लेवल ठीक है फिर इसी तरह जो अपना बिज़नेस टू कंज्यूमर है इसी तरह आपका सी टू सी है आपने ये जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ई बे की इसी तरह बेशुमार वेबसाइट्स हैं वर्ल्ड ओवर यूके में एक बड़ी फेमस साइट है गम ट्री डॉट कॉम है इसी तरह कुछ और भी हैं कि ऑक्शन साइट्स भी आप उनको कह सकते हैं कि एज एन इंडिविजुअल आप जाके अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे यू ऑफ़र इट फॉर सेल और कोई बायर आएगा वो कोई उसके ऊपर अपनी कोई ना कोई प्राइस देगा एंड इफ़ यू अग्री वो उसको ख़रीद लेता है तो ये बेसिकली सी टू सी है तो इसके अंदर चार तरह की पॉसिबिलिटी इसके तो फर्दर फिर आप उसको एरिया वाइज इंडस्ट्री वाइज़ यू नो डिफरेंट उसके पीछे जो आपके डिफरेंट मैकनिज़म हैं इसकी फिर जो इंटीग्रेशन है सोशल मीडिया के साथ हो इट इज़ हैपनिंग ये सारा ई e कॉमर्स के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट उनको सेपरेटली भी आप देख सकते हैं लेकिन आप उनको ई e कॉमर्स के परस्पेक्टिव में भी देख सकते हैं अगेन इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द कॉमन थिंग जितनी भी आपकी चेंजेस आ रही हैं दुनिया में उसमें जो वो है आपका इंटरनेट हर जगह पे इंटरनेट इवन जैसे मैंने बताया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है आपकी रिटेल इंडस्ट्री है आपकी इंडस्ट्री फोर जीरो है हर चीज़ जो है वो डिपेंड करती है इस पर इंटरनेट पे या मोबाइल पे और मोबाइल कंपनियां वो भी इंटरनेट ही यूज़ कर रही हैं आजकल वो भी यू you नो know, अपना जो उनका नेटवर्क है उसको भी यूज़ करती हैं बट इन पैरल दे आर यूजिंग इंटरनेट ऑल्सो क्योंकि वो जो सेटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन है दैट इज़ एक्सपेंसिव और ये जो आपकी सब मेरीन केबल्स हैं जो कि अंडर द सी केबल्स हैं या जो आपको फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लैंड के ऊपर या सी में वो आप वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है दैट इज़ चीपर दैन दी ये जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो इसलिए भी इंटरनेट इज़ मोर प्रेफर्ड जो मीडिया आजकल ज़्यादा वो इंटरनेट इसीलिए यूज़ हो रहा है कि ये जो इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ लेस और मोर इकोनॉमिकल दैन द कन्वेंशनल जो आपके थे जो ई जो सेटेलाइट से कम्युनिकेशन होती थी ग्लोबल कम्युनिकेशन अच्छा अब इसके बाद इसके अंदर जो डिफरेंट हमने बात की थी कि डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई जो चीज़ें आ गई उसके अंदर अगेन यू नो देर एन नंबर ऑफ़ टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व और हम उनको जैसे जैसे यू you नो know, आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे आप उसको और ई कामर्स e का सबसे बड़ा एडवांटेज एडवाटेज कि यू आर नॉट लिमिटेड टू वन इंडस्ट्री बेशक आप ऑटोमोटिव में आप फैशन में आप शूज़ में हैं आप किसी और चीज़ में हैं तो जो इंटरनेट या ई e कॉमर्स की ट्रेडिंग है वो हमने देखा ना देआर फोर सिनेरियोस विच कवर ऑलमोस्ट एवरी ई कॉमर्स बेस्ड ट्रांजेक्शन तो वो हर इंडस्ट्री के ऊपर किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में एप्लीकेबल है एंड देट इज़ वट यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि आप किस इंडस्ट्री में हैं उसमें डेटा कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है और आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है ताकि आप उस इंडस्ट्री को अपनी मैनेजमेंट को उसके बिजनेस को हेल्प कर सकें एज ए डेटा साइंटिस्ट अब अगेन इसके अंदर जो डिफरेंट सिस्टम है डेफिनेटली वो जो वेबसाइट है ई कॉमर्स बेस्ड या वेब पोर्टल है दैट इज़ देंटर पॉइंट ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस फॉर एनी कंपनी अब हर आप देखेंगे कि उसके अंदर डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं या वैसे विजिटर आते हैं दे रजिस्टर दैम सेल्व दे ऑर्डर समथिंग और इस तरह से वो फिर उसको यूज़ करते हैं ये ये तो फ्रंट एंड से एज ए यूज़र आप देख लेकिन उसके पीछे जो हाइंड साइड पर सिस्टम है उसके अंदर पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल का पूरा सिस्टम है उसके अंदर पूरा आपका एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है वेयर हाउस मैनेजमेंट का सिस्टम एक पूरा डिलीवरी का सिस्टम है यू you नो know? अगर आप सिर्फ इन्हीं दो चार पांच सिस्टम को देखें तो आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा डेटा जो ये जो सारे सिस्टम है आप किसी एक बंदे ने ऑर्डर दिया वेबसाइट पर जी मुझे आई नीड आइटम ए बी सी ये साइजिए उसके जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं अब वो जो जो प्रोडक्ट की डिटेल है दैट एज ए डेटा साइंटिस्ट देट इज़ दे दीज आर योर वेरीएबल्स राइट वो प्रोडक्ट है साइज है कलर है यू you नो know, ये आपके वेरिएबल हैं अब जब आप उसकी जो डिलीवरी टाइम है यू you नो know, वो डिलीवरी टाइम बहुत सारी आपने देखा होगा वो कहते थे अगर ये चीज़ इतनी देर में नहीं डिलीवर होगी तो इट्स फ्री इट मीनस कि वो जो डिलीवरी का जो टाइम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल जहाँ डेटा आपके लिए यू हैव टू सी कि अगर फ़र्ज़ करो तो डिलीवरी लेट कितनी आपकी डिलीवरीज़ लेट हुई हैं कितनी पेनल्टीज हुई हैं दैट इज़ अगेन वेरी वेरी वैल्यूएबल डेटा फॉर द ई कामर्स बिजनेस इसी तरह जो डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से उसकी हर एक डिलीवरी की कॉस्ट मे बी डिफरेंट तो बेस्ड ऑन दैट आप ये प्लान करते हैं कि ये जो डिलीवरीज हैं मैंने नॉर्थ से आ रही हैं सेंटर से आ रही हैं साउथ से आ रही हैं है, तो अकॉर्डिंगली वो जो पूरा डिलीवरी प्लान है वो प्लान किया जाता है उसको ये देखा जाता है कि कहाँ से डिलीवरी विल बी मोर इकनॉमिकल किस तरह की प्रोडक्ट कहाँ पर ज़्यादा बिकती हैं जो आपके जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे ऑब्वियसली जो विंटर सीजन है दैट इज़ लॉन्गर दैन सेंट्रल और द साउथ राइट तो वहाँ पे आइटम्स किस तरह के बिकते हैं वहाँ पे किसते बिकते हैं वहाँ पे किस चीज़ का स्टॉक रखना है यहाँ पे किस चीज़ का स्टॉक रखना है तो ये सारे काम जो है ये एक डेटा साइंटिस्ट करता है ई e कॉमर्स में और ये अगेन आपको ये एक ले को नहीं पता कि उसके पीछे क्या हो रहा है बट एज़ अ डेटा साइंटिस्ट यू अंडरस्टैंड ये जो आइटम बिकी है ये कहाँ से आई है ये, ये हमारी अपनी परचेज है या किसी हमारे पार्टनर ने हमें दी है बेचने के लिए यू नो सो एन एंड फॉर सो दे आर एन नंबर ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसेस बिहाइंड वन ट्रांजेक्शन विच इज़ हैपनिंग ऑन योर इंटरनेट थ्रू एन ई कॉमर्स साइट अब ई e कॉमर्स का जैसे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस वी हैव एक्सपीरियंस जैसे ही आप जाके फ़र्ज करें किसी सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके पास फर्ज करें आई मीन गूगल का जो इन सर्च इंजन है दैट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन वर्ल्ड और भी कुछ है बट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गूगल जैसे ही मैं गूगल पे जाके मैं अगर लिखता हूँ जेंट्स शूज़ राइट तो दस एग्ज़म्पल्स मेरे पास आई I मीन mean, कम अज कम एक स्क्रीन पे, तो मुझे कोई दस पंद्रह तो लिंक दस लिंक तो नज़र आ ही जाएंगे. तो उसके आगे मैं देखूंगा तो देर माइट बी फ्यू हंड्रेड फ्यू थाउजेंड अब में भी यू नो लाखों की तादाद में भी वो आपको नीचे वो जो जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नज़र आती है वो जो पेज ब्रेक में भी आपको वो नज़र आएगा कि किस तरह से वो चीज़ें पढ़ी हैं अब गूगल ये कैसे करता है वो डेफिनेटली उनके पास डेटा अवेलेबल है पेड भी है अनपेड भी है वो सारा मामला था अच्छा अब फर्ज़ करिए मैं एक वेबसाइट पर गया मैंने शूज़ लिखा था मैंने एक शूज़़लेक्ट किया अब जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया फ़ोन आप देखेंगे एंड प्लीज़ डू इट इफ़ यू हैव नॉट येट एक्सपीरियंस प्लीज़ डू इट डू इट टूडे वो कोई भी आइटम आप अपनी मर्जी की अपनी पसंद की सिलेक्ट जैसे ही आप वो आइटम सेलेक्ट करेंगे फ़ौर एक दो तीन चार पाँच सिमिलर चीज़ें अगर आप जेंट शूज़ में तो फ़ौर जेंट शूज़ से रिलेटेड वो चीज़ें यानी इवन उनकी पिक्चर्स आ जाती हैं जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक लॉन्ग कोट सेलेक्ट किया है तो फ़ौर उससे रिलेटेड पिक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएंगी आप कहते हैं, नहीं जो मैंने लिया ये मुझे पसंद है आप वो जैसे उसको परचेज़ करने जाते हैं साथ ही एक और वो मैसेज आ जाएगा कंपेयर प्राइसेस वो फिर आपको रोक रहा है कोई बंदा आपको नहीं पता वो कौन है दुनिया के किस कोने में बैठा है बट यूजिंग योर यू नो इंफॉर्मेशन योर इंटरेस्ट अब वो आपको डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड कर रहा है पहले उसने कोई आठ दस लिंक दे दिया आपने कोई एक सेलेक्ट किया उस उसमें आपने एक आइटम सेलेक्ट की फिर उसने दे दिया अब आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो कह रहा है वो हो हो आप तो ये एक्सपेंसिव ख़ खरीद रहे हैं आप कोई गलती ना कर ले ये देखो यहाँ पे ये चीज़ दो रुपये सस्ती है यहाँ पे ये चीज़ पाँच रुपए सस्ती है यू you नो know? तो इस तरह से ये फिर जो है ना जो और इसके पीछे बेसिकली वन ऑफ योर स्किल्स विच इज़ मोर इन डिमांड इन द वर्ल्ड एज ए डेटा साइंटिस्ट वो जो आप स्टैटिस्टिकल इंफ्रेंस यूज़ करते हैं जो आप डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं वो इसके पीछे यूज़ होते हैं आपके रिग्रेशन के मॉडल हैं आपके जो मोंटी uh, कॉर्लो टेक्निक्स हैं वो दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड एंड दे आर वेरी सिंपल मेथड अब ये डिपेंड करेगा आपके स्किल लेवल पे और अगेन इंडस्ट्री पे कितने कॉम्प्लेक्स मॉडल आप बनाना चाह रहे हैं एंड यू नो बेस्ड ऑन दैट और ये जो रिकमेंडेशन इंजन है एवरी बॉडी नोज आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल इसके अलावा देर आर बेशुमारगजाम्पल्स हैं ऐसी जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रिकमेंडेशन इंजन किस तरह से काम करता है होटल बुकिंग की आप एग्जांपल ले लें आप अभी लिखें एक्स वाई जी वो फ़ौर आपको आ जाएगा जी ये होटल चीपर होटल बेड एंड ब्रेकफास्ट थ्री स्टार होटल फोर स्टार होटल सेम प्रोसेस जैसे ही आप एक जाके सेलेक्ट करेंगे तो एक और वेबसाइट आ जाएगी जी कंपेयर प्राइसेस वो आप करेंगे वो फिर वह अच्छा फ़र्ज़ करो आपने सेलेक्ट कर लिया है ना होटल आप कहते नहीं ये मैंने पसंद फ़ौर आ जाएगा आपको टैक्सी चाहिए एयरपोर्ट से अपने होटल तक आपको होटल से आगे अगर आपने फ़र्ज़ करो लोकल ट्रैवल के लिए उनको ये भी टाइम इवन दे नो कि अगर आपके जो डेटा है ना वो सिस्टम फाइंड आउट कि आपने आपके पास एयर टिकट कौन सी है आपने जब बुकिंग की अपनी तीन दिन की पाँच दिन की सात दिन की वो फ़ौर आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा अच्छा जी अगर आप फ़र्ज़ करें यू आर गोइंग तो टू प्राग यू आर गोइंग तो टू न्यूयॉर्क यू आर गोइंग तो टू लंडन अच्छा लंडन में अगर आपने तीन दिन स्टे करना है तो आप यहाँ यहाँ जा सकते हो फ़ौर आपको जो वो जो लोकल अट्रैक्शन के जो लोकल टूरिस्ट पैकेजेस होते हैं वो बेचना शुरू कर देते हैं तो ये बेसिकली यू नो इतने इसके अंदर यूज केसेस है, हैं इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि यू नो आई एम श्योर दैट यू विल फील प्राउड ऑफ योर डिसीजन ऑफ बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप ई e कॉमर्स में जाएँ आप यू नो इंडस्ट्री फोर में जाएँ आप टेलीकॉम में जाएँ आप बैंकिंग में जाएँ यू नो एवरी यू विल फाइंड यू नो लॉट ऑफ एंड लॉट ऑफ यू नो अपॉर्चुनिटीज और इतना इंटरेस्टिंग काम है आपका ये कि यू विल लव इट